कुछ ज्यादा बाउंस मिल रहा है, अच्छी खासी उछाल मिल रहा है। फिर से एक मरतबा उमेर, इस मरतबा आखिरी मरतबा दौड़ना शुरू किया और इस बार आगे खिलाया था, उसका खमेजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि इस बार आगे खिलाया था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हैं, अंपायर का इशारा 6 रन। सही बात है, फिर से एक मतलब हम लोग इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार लेफ्ट आर्म ओवर दोनों शुरू के अंपायर क्रॉस के अंपायर के बगल से निकलने के बाद ये गेंद, और इस गेंद को खेला है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई छह। जाने के बाद भी जैसे शुएब जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर है और ये जो मैंने की पांचवी गेंद, फिर से एक बार ओमकार ने पहली ओवर भी अच्छी फेंकी थी, दूसरी ओवर भी बहुत अच्छी करते हुए मार के लिए, और ये गेंद खराब गेंद थी और उस गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जा रही डीप बैकवर्ड स्क्वाड के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर। जहां पहुंचा है 45 45 रन बैक टू साल्ता। जुबैर भाई से मेरी गुजारिश है कि इतना भी परफेक्ट, फिर से एक मरतबा ओमकार हमसे दूर जाते हुए लेफ्ट आर्म ओवर दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अंपायर के बगल से निकले फुल लेंथ गेंद, नो बॉल अंपायर का इशारा, खराब गेंद, सही पनिशमेंट, ओ अच्छी कोशिश, हार्ड लग, कैरी नहीं कर सके उसको जाता है तो फिर यहां पर मुश्किल हो सकता है, परेशानी हो सकती है, मुश्किल नहीं परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। और इस बीच इस गेंद को फिर से एक मरतबा शुएब ने खेला, शुएब का बस लंबा अनुभव है, लेकिन जिस तरह की वो एक अनुशासन के साथ गेंदबाजी होनी चाहिए उस अनुशासन के साथ यहां पर इस वक्त खेले। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, आहो क्या शॉट है, लॉलीपॉप शॉट नजर आया वहां पर उनके बल्ले से निकलता हुआ, शुएब बहुत ही डेंजर साबित हो रहे हैं। आखिरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद और अच्छा फिनिश किया, वेल फिनिश, वेल डन, अपने स्टाइल में इसको फिर